टीम इंडिया को 13 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को एक जबरदस्त झटका लगा है। ये झटका उन्हें मिला है टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर की तरफ से, जो श्रीलंका दौरे के साथ ही टीम इंडिया के साथ अपने सफर की शुरुआत कर रहे हैं। अपने सफर की शुरुआत ही गंभीर ने एक चौंकाने वाले फैसले के साथ की है, और ये है T20 टीम की कप्तानी। टीम इंडिया के नए कोच अपनी एंट्री के साथ ही एक नए कप्तान को भी नियुक्त करने का फैसला कर चुके हैं, और ये हार्दिक पांड्या नहीं होंगे। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया के नए T20 कैप्टन हो सकते हैं, और सिर्फ श्रीलंका सीरीज ही नहीं बल्कि लंबे वक्त तक वो ये जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। ऐसे में नजरें इसी बात पर थी कि अगला T20 कैप्टन कौन होगा। जिम्बाब्वे दौरे पर यह कमान शुभमन गिल को सौंपी गई थी, लेकिन इस सीरीज में वर्ल्ड चैंपियन टीम के सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। अब 27 जुलाई से होने वाली श्रीलंका दौरे से हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत जैसे सीनियर खिलाड़ी लौटने वाले हैं, और ऐसे में माना जा रहा था कि हार्दिक ही T20 टीम की कमान संभालेंगे, क्योंकि वो ना सिर्फ वर्ल्ड कप के दौरान टीम के उपकप्तान थे बल्कि उससे पहले एक साल उन्होंने इस फॉर्मेट में टीम की कप्तानी भी की थी। अब लगता है ऐसा नहीं होने वाला है और हार्दिक के हाथ से कप्तानी फिर से फिसलने वाली है। PTI की रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोच गंभीर सिर्फ इस सीरीज ही नहीं बल्कि लंबे समय की योजना के साथ फैसला लेना चाहते हैं, और इसलिए कप्तान भी इसी आधार पर नियुक्त करना चाहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए एक परमानेंट कैप्टन बनाने का फैसला किया गया है, और इसके लिए सूर्यकुमार यादव के नाम पर सहमति बनने की संभावना है। इतना ही नहीं, गंभीर ने इस मामले में चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से बात भी की है, और दोनों ने मिलकर मंगलवार 16 जुलाई की शाम को हार्दिक पांड्या से बात कर अपने फैसले और योजना के बारे में बताया है कि टीम की लीडरशिप में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया गया है और इसमें वो कप्तान नहीं हो पाएंगे। रिपोर्ट्स में BCCI से जुड़े सूत्रों के हवाले से भी बताया गया कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर उठ रहे सवाल बिल्कुल बेबुनियाद हैं और वो पूरी तरीके से फिट होकर T20 सीरीज के लिए लौटने वाले हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि हार्दिक के ही कप्तान बनने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब लगता है कि सूर्यकुमार यादव इस रेस में थोड़े से आगे निकल चुके हैं। सूर्यकुमार यादव ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 7 मैचों में टीम की कप्तानी की, जिसमें 5 जीत और 2 हार मिली।